शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 28 हो चुका है। ऐसे में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आए दिन सील हो रहे इलाकों के नज़ारे शहर की जनता को सकते में डाल दिया है। इस विषय पर लोगों ने इन बीसीएन न्यूज से अपने विचार साझा किए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। दिग्रस तहसील में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कुल 28 मामले दर्ज हुए हैं, वहीं कंटेनमेंट में तब्दील इलाकों की संख्या लगभग 6 है। गौरतलब है कि बीते सोमवार से अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 28 से आगे नहीं बढ़ी है, जो कि एक तरह से सकारात्मक खबर है। तहसील में मरीजों की तादाद और ज्यादा न बढ़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। यही वजह है कि अब आगामी 7 दिनों तक आवश्यक सेवाओं को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ही शुरू रखने का निर्णय लिया, जबकि अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए सख्ती से एक हफ्ते के तालाबंदी की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में बुधवार को स्थानीय प्रशासन की ओर से शहर भर में लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना जारी की गई है। शहरातील सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येत आहे की माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यवतमाळ यांच्या आदेशावरून कोरोना 19 याचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे आज दिनांक 8 जुलै ते 14 जुलै 7 दिवसाकरिता दिग्रस शहरात लॉकडाऊन लागलेला आहे। फक्त सुरू राहील सकाळी 8 ते 12 वाजेपर्यंत किराना दुकान, भाजीपाला, फल फ्रूट। बुधवार को सुबह लगभग 10 बजे की गई इस घोषणा के बाद बाजार दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद हो गई थी। इस घोषणा को सुनते ही बाजार के दुकानदारों सहित ग्राहक और राहगीर भी हरकत में आए, जिस वजह से हर कोई बाजार से घर की ओर रवाना होने की जल्दबाजी में दिख रहा था। बहरहाल जिलाधिकारी यवतमाळ द्वारा जारी किए आदेश के तहत आगामी 14 जुलाई तक नागरिकों, ग्राहकों और व्यापारियों से स्थानीय प्रशासन को सहयोग देने और जारी किए निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया गया है। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।